एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यू डिलिजेंस ऑडिट। ड्यू डिलिजेंस ऑडिट में जो से मैं क्वेश्चन बताती हूँ, फर्स्टली अपना जो क्वेश्चन रहता है कि एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, ओके। सो एज एन ऑडिटर आप क्या करने वाले ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर बन के, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर बन के हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रोमोटर्स। जिस कंपनी को आप एक्वायर करने वाले हो उसकी हिस्ट्री और उसके प्रोमोटर्स का जो भी डिटेलिंग है वो सब। अब इसमें क्या देखना है आपने को, सबसे पहले तो है बैकग्राउंड और प्रोमोटर्स की हिस्ट्री। अब इसमें फर्स्टली हम देख सकते हैं कि हाउ द कंपनी वॉज सेटअप, कैसे कंपनी सेटअप हुई, हु वर द ओरिजिनल प्रोमोटर्स, इसमें कंपनी का जो मार्केट शेयर है टारगेट कंपनी का वो कितना है, ठीक है। कंपनी में जो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज है वो कंपनी की क्या है, और चेंजेस जो है कंपनी में वो क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं। फिर सेकंड आ जाता है इसमें नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस में ऑब्वियसली ये रिविजन लेक्चर है तो फास्ट तो चलने ही वाले, एक वेरी क्विक रिविजन में लास्ट में जरूर से करवाऊंगी, ठीक है। और सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ऑडिट ही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं आ रहा है। नेचर ऑफ द बिजनेस में आ जाता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इंपोर्टर। अब अगर अपन नेचर ऑफ बिजनेस को भी एक बार चेक करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। देन इसमें देखना है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, सप्लाई वेजेस लेवल्स, जो यूनियन कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब देखना है। फिर हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस देखना है, स्टेबिलिटी देखना है, टर्म्स देखना है, टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह, इंपोर्ट, मेथड्स ऑफ डिलीवरी देखना है। देन इसमें जस्ट इन टाइम अगर मेथड, इन्वेंट्री किस तरह से रख रखी है, ये सब भी देखना है, ठीक है। इन्वेंट्रीज के लिए लोकेशन देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं, वैल्यूज देख सकते हैं, लाइसेंस, पेटेंट्स वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है। देन जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में सिंपली एक बार चेक करना है कि इस बार की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट फॉलो हो रही है लास्ट ईयर इस ईयर, ठीक है। और अगर नहीं कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी चेक करना है, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो सब चेक करना है। रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सबको एक बार रिव्यू करना है, कोई डिविएशन वगैरह तो नहीं है वो देखना है, अगर डिविएशन है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, क्या गलतियां हैं वो सब देखना है, ठीक है। कैश फ्लोज भी देखना है, पूरा कौन सा फ्रेमवर्क यूज करें, इंड एस है, एस है, या फिर गैप है, वो सब देखना है, ठीक है। रीजन्स यहाँ पे देखना है, प्रॉफिट जो भी रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, इन सब को भी देखना है। फिर आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। देखो टैक्सेशन में हम क्या देख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की लेवीज, टैक्सेस की जो भी है, तो वो सब हमको, और टैक्स के जो इफेक्ट्स पड़ रहे वो सब देखना है। कैश फ्लोज के लिए हमको मेनली ये देखना है कि कैश फ्लो का सोर्स क्या, एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा जनरेट हो रहा है या इंटरनल सोर्स से ज़्यादा जनरेट हो रहा है। फिर कैश फ्लो जो है उसका डिप्लॉयमेंट, मतलब यूज़ कहाँ कर रहे हैं उस फंड का, ठीक है, ये सब भी देखना है। कोई फंड आइडल पड़ा हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रखा हुआ है क्या, ऐसा कोई कैश फंड, तो ये सारा अपने को देखना है, ठीक है। फिर जो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से ही समझ में आ रहा है हमको फाइनेंशियल क्या है, प्रोजेक्शन मतलब आगे कितने इयर्स तक का यहाँ पे प्लानिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स की डिटेल अजम्पशंस को देखना है, ठीक है। तो कितने इयर्स के, 5 इयर्स की, 5 इयर्स के अजम्पशंस को देखना है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली इवेल्युएट करना है अजम्पशंस को, ठीक है। ये हो जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। और कोई भी अजम्पशन अगर अनरियलिस्टिक लगती है, ठीक है, जो 5 साल अगले होने वाले हैं उसके लिए, इन्फ्लेशन वगैरह आपने सब कुछ देखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर आपने आगे प्रोजेक्शन किए होंगे कंपनी के, इन्वेस्टमेंट के, इन्वेंट्री के, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के, सबके, ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्शंस देखने 5 साल के। और उसके बाद में ये भी देखना है कि ऐसा कोई प्रोजेक्शन है जो कि लगता है कि अनरियलिस्टिक है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसका इंपैक्ट देखना है, ओवरऑल उस पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हम अजम्पशंस को तो नहीं बोल सकते कि वो ट्रू है नहीं है, बट हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तो एक बार एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं, उनका एक्यूरेशन हम चेक कर सकते हैं। देन वी आर ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। देखो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी जो है वो क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है, तो एक्वायर करिए तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो कितने एम्प्लॉयज उस कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं इस कंपनी में, ठीक है। उसके अलावा उनका लेबर फोर्स कैसा है, फिर यहाँ पे ये भी देखना है कि जजमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, न्यू ट्रेनीज वगैरह जो है वहाँ कंपनी के, ठीक है, प्रोजेक्टेड लिटिगेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, और कोई भी लिटिगेशन अगर हुआ है, ठीक है, वर्क डिस्प्यूट्स हुआ है तो उसमें क्या डिस्प्यूट है, उसका रिजल्ट वगैरह क्या है, ये सब भी देखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेजेस की स्कीम, सैलरी कितनी मिल रही है, मंथली सैलरी है, ESI को स्कीम है, ग्रेजुएट या लीव सैलरी है यहाँ पे, और
पीएफ वगैरह है ये सारा भी देखना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन सैलरीज, अजम्पशन ऑफ इंक्रीज इन सैलरी, एवरीथिंग इट शुड बी चेक एज एन ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर। फिर आ जाता है ईसोप भी देखना है, ठीक है। ईसोप और ईवीआई, ईवी आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ द वैल्यू एडेड, इवेल्युएट इवेल्यूट करना है वैल्यूएटेड स्टेटमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक दे रखा है की एम्प्लॉयज जो है, एक लास्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ, जो की एम्प्लॉयज है ऐसे की एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करो जो कंपनी छोड़कर चले गए, ठीक है, उनको मेनली आइडेंटिफाई करना है, या फिर ऐसे की एम्प्लॉयज जो कि कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर ये कंपनी जो टारगेट कंपनी जिसको हम एक्वायर करने का सोच रहे हैं अगर हम एक्वायर करेंगे तो ऐसे कौन से की एम्प्लॉयज है जो कि आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। देना चाहते हैं स्टैचुटरी कंप्लायंसेस। देखो स्टैचुटरी में तो सिंपल सी बात है, जो लीगल कंप्लायंसेज है ना वो देखने, जो लीगल फ्रेमवर्क, जो लॉ वगैरह, एक्ट वगैरह जो लग रहे हैं कंपनी के ऊपर, जो प्रोविजंस लग रहे हैं वो कंप्लीटली कंप्लाई किए कि नहीं, वो सब देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसा नहीं किया है, ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक्ट लग रहा है जैसे इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, या फिर कंपनीज एक्ट लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है, लग रहा है चाइल्ड लेबर एक्ट लग रहा है, लग रहा है, लेकिन आपने कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? पिनिटिव एक्शन। पिनिटिव एक्शन क्या होता है? पेनल एक्शन। तो पेनाल्टी कितनी लगी हुई है वो भी आपको चेक करना है। ओके, देन वी आर ऑन नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब यहाँ पे एक जनरल कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो एज एन ऑडिट, आप ऑडिट ड्यू डिलिजेंस भी ऑडिट ही है ना, तो आप ऑडिट कर रहे हो ना, तो ये भी देख लो कि डेप्ट इक्विटी रेशियो वगैरह कैसा है। रीडिप्लॉयमेंट अगर कैश वगैरह है तो डिप्लॉयमेंट मतलब यूज, और रीडिप्लॉयमेंट मतलब उसका फर्दर आगे यूज किया है, ठीक है, वो देखना है। मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू देखनी, ठीक है, और रीजनेबल बेसिस पे अदर फैक्टर्स भी देखना है। ये गुडविल मुझे थोड़ा सा मेन लगा तो मैं गुडविल यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये सर हमको चेक करना था एज अ टारगेट कंपनी के ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर, ठीक है। अब मैं एक मेन पॉइंट पे कुछ मेन पॉइंट पे आ जाती हूँ। हिडन लाइबिलिटीज भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है चेक करने का, ठीक है। तो हिडन लाइबिलिटी एंड देन ओवर वैल्यूड एसेट्स, ये दोनों भी हमको चेक करने। तो फर्स्टली हिडन लाइबिलिटीज में देखो, लाइबिलिटीज में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो होगी ना, जिसका शोकॉज नोटिस वगैरह इशू हुआ होगा, ठीक है, ऐसी लाइबिलिटीज तो अपने को हिडन लाइबिलिटीज लगेगी कि आपका शोकॉज नोटिस इशू हो गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि लाइबिलिटीज तो होने वाली है फिर भी कॉन्टिजेंट में बता रखा है, ठीक है, तो ऐसी क्या है ये लाइबिलिटी? अब हिडन लाइबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट की पोजिशन को परफेक्टली नहीं बता रही, या फिर ऐसी कोई अनफंडेड ग्रेचुटी है, अनफंडेड सुपर एन्यूएशन, अनफंडेड लीव सैलरीज वगैरह है, ठीक है, या फिर कंपनी ने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया है टू बैंक, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दिस इज नॉट गारंटेड, और गारंटी नहीं है इसमें, और नॉट और डिस्क्लोज भी नहीं हुआ है बैलेंस शीट ऑफ द टारगेट कंपनी में, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर है तो इसके अलावा सब्सिडरीज का बिजनेस, ठीक है, सब्सिडरीज एंड मे बी ग्रीड टेक ओवर द इंडेमनीफाई द लाइबिलिटीज ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ द सेम प्रायर टू द डेट ऑफ द ट्रांसफर, दिस मे नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, वो भी देखना है। अगर कुछ सब्सिडरीज का बिजनेस या सब्सिडरीज या कोई डिवीजन जो है वो सोल्ड किया है, ठीक है, और कोई ऐसी अदर लाइबिलिटीज आई है, ठीक है, तो उनको भी हमको चेक करना है कि वो भी हिडन लाइबिलिटीज में आ जाएगी। प्रोडक्ट या अदर लाइबिलिटीज क्लेम, या फिर जो भी गारंटी लाइबिलिटीज है, प्रोडक्ट रिटर्न का, डिस्काउंट का, लिक्विडेशन डैमेजेस वगैरह है, तो ठीक है, तो ये सारे जो, या फिर लेट डिलीवरीज, या फिर अदर लिटिगेशन अभी चल रहा है, अब तो लिटिगेशन चल रहा है ना, तो हम ये हमने ये बैलेंस शीट में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, इवन कहीं पर भी रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज नहीं किया, रिटर्न में भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो लिटिगेशन चल रहा है तो हो सकता है ना कि लाइबिलिटी आ सकती है, तो एटलीस्ट कॉन्टिजेंट में तो बताएं हम, ठीक है, तो वो भी नहीं बता रखा है। या फिर टैक्स की लाइबिलिटीज है सबसे ज़्यादा, तो कस्टम ड्यूटीज, टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जिनका पेंडिंग फाइनल असेसमेंट है। इसलिए अगर अभी तक फाइनल असेसमेंट पेंडिंग है तो टैक्स की लाइबिलिटी तो आने ही वाली है ना, तो आपको एक बार क्या करना है, बताना है। अगर वो नहीं बता रखा तो वो एक तरह से हिडन लाइबिलिटी है, ठीक है। फर्दर जो लीज लाइबिलिटीज है, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या क्लेम्स वगैरह है, थर्ड पार्टी के क्लेम्स वगैरह है, तो ये सारे जो क्लेम्स है ये सारी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, हिडन लाइबिलिटी, ठीक है, जो अभी तक तो अराइज नहीं हुई है लेकिन अराइज होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। देन आ जाता है, तो ये सारा भी चेक करना है। ड्यू डिलिजेंस ऑडिट आप करोगे ना तो उसमें आपको ये सब भी चेक करके ऑडिट के लिए रिपोर्ट बनाते वक्त ध्यान रखना है। देन आ जाता है एसेट्स, तो देख लिया हमने कि हिडन लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटीज तो देख लिया हमने, हिडन लाइबिलिटीज। अब हम देखते हैं एसेट, ओवर वैल्यूड एसेट। तो एसेट कौन कौन सी होती है बैलेंस शीट में? एसेट सबसे पहले आ जाती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन सब पे एक एक पॉइंट आएगा अपना, ठीक है। ये अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले जो भी एसेट्स के बारे में बोल रखा है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट्स, जिनके अभी वैल्यू नहीं है फिर भी बता रखा है, ठीक है, तो वो ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स। सेकेंड आ जाता है
एब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो कि खत्म खराब डिस्पोज ही हो चुकी है फिर भी बता रखी है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो वो भी कैसी ओवर वैल्यूड एसेट है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें रिसीवेबल्स जो अनकलेक्टेबल है, ठीक है, ये आ जाता है रिसीवेबल्स, ओके, अनकलेक्टेबल वर्ड याद रखना, अनकलेक्टेबल। फिर इन्वेंटरीज स्टॉक वगैरह जो स्लो मूविंग एब्सोल्यूट स्टॉक है वो भी बता रखा है, ठीक है, तो उससे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है ना, तो वो इसलिए हम इसको भी लिख रहे हैं। फिर जो लिटिगेटेड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिस पर डिस्प्यूट हमको पता ही नहीं कि उसकी जो ओनरशिप है वो हमारे हाथ में, फिर भी हमने हमारी बैलेंस शीट में लिख रखा है, ऐसी कोई एसेट है तो भी क्या करना है, ऑडिटर को चेक करना है। देन आ जाता है, अब मैंने आपको पहले भी बताया वर्ड्स याद रखना, इंक्वायर, चेक, रिव्यू, रिकनसाइल, ये जो हमारे वर्ड्स है सी, ये सारे वर्ड्स ऑडिट में बार बार काम आते रहते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल ऑफ द नो वैल्यूज, ये ऑलरेडी बोल चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम है जो वेरी लो रेट का इनकम है, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट बता रखा है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ पे बोल देना, इन्वेस्टमेंट। देन आ जाता है इसमें लिटिगेटेड एसेट्स, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। फिर आ जाता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, आपको पता है फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं जिसको हम, तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो एसेट्स होता नहीं है, उसको ओवर एसेट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए डेफर्ड फिक्टिशियस एसेट्स बता रखे, ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस से बड़े बड़े एक्सपेंसेस बता रखे, तो वो वाले भी सारे चेक कर लेना, कोई फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह उस जिससे कि जबरदस्ती के एसेट्स की वैल्यू को ज़्यादा बता रखा है, तो ऐसा तो नहीं है, वो भी चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या क्या देख लिया, हम लोग ने अभी यहाँ पे ओवर वैल्यूड एसेट्स और हिडन लाइबिलिटीज और जो भी टारगेट कंपनी थी, सॉरी एक्वायर कंपनी थी, वो टारगेट कंपनी को जब एक्वायर करी थी तो जो भी ड्यू डिलिजेंस की ऑडिट है वो भी देख लिया, ठीक है। अभी जो हमको देखना है वो है मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं अब आ रही हूँ, ठीक है। दिस टॉपिक इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, क्या क्लासिफिकेशन है, सी या ना टॉप लाइफ, इसका मैं एक मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इसके जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें मैं लिख रही हूँ टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ओके, देन आ जाता है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आ जाता है, और वैसे तो खाली मेमोरी ट्रिक भी आप ले सकते हो, बाकी तो इसमें जो भी नोट्स है वो टोटली मॉड्यूल से ही मैंने प्रिपेयर किए, वो आ जाता है ऑपरेशनल ऑडिट, देन आ जाता है पर्सोनल, ओके, देन एल्स आ जाता है लीगल ड्यू डिलिजेंस, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एफ फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ई फॉर एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ओके। फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, वैसे फाइनेंशियल डिस्कस करना चाहिए बट हमारी मेमोरी ट्रिक के हिसाब से हम टैक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है ना उसी का ही एक पार्ट है टैक्स, ठीक है। टैक्स में ऐसे क्या बोल रखा है कि इसको सेपरेट ड्यू डिलिजेंस मत मानो, यहाँ पे इंटीग्रल कंपोनेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, टैक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे ना अब तो यहाँ पे बोलते हैं ये फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आ जाता है, बट फिर भी आपको ये कहना है टैक्स का एक अलग से फिर भी बना रखा है अपने, टैक्स इफेक्ट देखने के लिए, मर्जर एक्विजिशन के टैक्स इफेक्ट देखने के लिए एक अलग से इसका क्लासिफिकेशन कर दिया ड्यू डिलिजेंस का, ठीक है। फिर आ जाता है ऑपरेशनल कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, इसमें मेनली आप क्या देखोगे, ऑपरेशंस, ऑपरेशन रिजल्ट, मतलब इकोनॉमिकली और इफिशियंटली चल रहा है कि नहीं, ठीक है, रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना है। क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जीज, सिनर्जीज मतलब दो कंपनियां जब आपस में मिलती है तो जो उनका इफेक्ट आता है ना, तो ऑपरेटिंग इफेक्ट जो है वो इकोनॉमिक और इफिशियंट आ रहा है कि नहीं, वो देखना है हमको कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस में। फिर जो है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस मतलब यहाँ पे जो पर्सनल पॉलिसीज, वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह की जो पॉलिसीज बना रखे वो बता रखा है, इन लाइन और कैन बी चेंज टू द सूट रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग के अकॉर्डिंग है। देन आ जाता है लीगल, लीगल ड्यू डिलिजेंस में ऑब्वियसली इसमें सिंपली बता रखा है कि जो भी लीगल कंप्लाइंस है वो कंप्लीट किए हुए कि नहीं किए हुए, ठीक है, वेरियस लॉज वगैरह कंप्लाई किए कि नहीं किए। देन जो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक करना है, एवरीथिंग ईयर चेक, फिर इसमें परफॉर्म करना है। ये जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है ना, ये कब परफॉर्म होगा, ऑपरेटिंग ड्यू डिलिजेंस के बाद में ही परफॉर्म करना है। आप ऑडिटर हो ना, तो आप सबसे पहले इकोनॉमी इफिशियंटली सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन चेक करोगे ना, ठीक है, सिनर्जिक इफेक्ट देख लोगे ऑपरेशन का, उसके बाद में आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पे आओगे और वो चेक करोगे, ठीक है। तो एक लास्ट एक आ जाता है एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट नहीं बोला यहाँ पे, कौन सा एनवायरमेंट बोला है कि जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है ना, तो उस कंपनी का एनवायरमेंट जो है वो अडैप्टिव नेचर का है कि नहीं, फ्लेक्सिबल नेचर का है कि नहीं, वो एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है उसको कि वो दोनों आपस में सिनर्जिक बेनिफिट उनका मिल सकता है, ठीक है, तो वो चेक करना है यहाँ पे, वो रखा है एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ओके। देन हम आ जाते हैं
फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं, जैसे इसमें लिख रखा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री। आप फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चेक करोगे, तो ब्रीफ हिस्ट्री चेक कर लेना, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर लेना, वैसे हमने वो बैकग्राउंड ऑफ प्रोमोटर्स और ये सब देख ही लिया ना चेक करने का, एसेट्स लायबिलिटीज लेटेस्ट बैलेंस शीट और कैश फ्लोज वगैरह, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कुछ ऐसे, एक लास्ट में टॉपिक डिस्कस करती हूँ, उसके बाद में ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो ये खत्म हो जाएगा, फिर न्यू सिलेबस वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, फर्स्ट इसमें आ जाता है एक टॉपिक, कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कंटेंट है, तो देखो मैं इसमें बता देती हूँ कि फिक्स्ड कंटेंट नहीं है रिपोर्ट का, बट जो एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, उसमें क्या बता रखा है, ऑब्जेक्टिव देखो, स्कोप देखो, टर्म्स देखो, फिर इसमें जो भी बैकग्राउंड है टारगेट का वो देखो, ब्रीफ हिस्ट्री देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह देखो, इसके अलावा असेसमेंट करो लायबिलिटीज़ का, चाहे वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हो, टैक्स लायबिलिटी हो, या फिर ऑपरेशनल लायबिलिटी हो, प्रपोज्ड मर्जर एक्विजिशन से पहले के जो सजेशंस है वो सब भी आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट में लिख सकते हो। स्वॉट एनालिसिस मतलब जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, वो सब देखना है, ठीक है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह देखना है, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ आ जाती है वो मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, टर्म्स, स्कोप एंड बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग पैटर्न, देन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ओके। फिर इसमें टैक्सेशन, अब मैं लायबिलिटीज बताती हूँ, तो लायबिलिटीज में स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, टैक्सेशन लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिर आ जाता है पॉसिबल लायबिलिटी, इसीलिए मैंने कहा था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी, ओके। ये सारी लायबिलिटीज भी चेक करनी, फिर सजेशंस में देखना, वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी टेकन केयर ऑफ द बिफोर एंड आफ्टर द प्रपोज्ड मर्जर एक्विजिशन, ओके। देन आ जाता है इसमें लास्ट पॉइंट पॉसिबल लायबिलिटीज, तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, स्वॉट एनालिसिस बोल लिया मैंने, ओके, और लीज, लियन वगैरह एक्सेट्रा, ये सब आपको देखना है। ये रिपोर्ट भी एक फिक्स्ड कंटेंट नहीं है, ये एक सिर्फ डिस्क्राइब्ड कंटेंट है कि इस तरह का कंटेंट आपको रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। अपना वैसा रिपोर्ट नहीं बनेगा जो अपना 700 में अपन बनाते हैं, ठीक है, 700 में। अब मैं कुछ एक दो तीन टॉपिक्स डिस्कस कर लेती हूँ जो कि न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में मैंने देखा था, ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल में वो टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। तो वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलीजेंस में आ जाता है रिव्यूइंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी, देन असेसिंग द बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय अ साइट विजिट कर लो अगर एप्लीकेबल हो तो, फिर वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशन कंपनी, इन्वेस्टिंग इन द डिफाइनिंग द की एरियाज को डिफाइन करना, देन हेल्पिंग प्रिपेयर ऑन द ऑफर बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ड्यू डिलीजेंस। फिर सिक्स डायमेंशंस कौन कौन से, सारे डी से शुरू होंगे देखना, हाँ डी से डिफाइन, फिर आ जाता है डायग्नोस, देन आ जाता है डिस्कवर, देन आ जाता है डिलीवरी, देन आ जाता है डिजाइन, एंड देन फाइनल इज डिफेंड, ओके। देन आ जाता है हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलीजेंस प्री रिक्विजिट, ओके, हाउ टू कंडक्ट, सबसे पहले तो पहले, फिर आ जाता है ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, और फिर आ जाता है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट यानी क्लोजिंग प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, डिस्कस करो विद द क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट स्कोप वगैरह देखो, फिर जनरल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, एंड देन फाइनली टारगेट स्पेसिफिक एरिया को लिस्ट आउट करो। देन आ जाता है ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में निगोशिएबल फीस है ये, ठीक है, एक तरह से, तो इसमें आ जाता है वर्किंग ऑफ साइट और ऑन साइट, ऑफ साइट ऑन साइट वर्किंग करनी है, फिर फ्लेक्सिबल अप्रोच आफ्टर प्रोजेक्ट किक ऑफ, देन रेगुलर अपडेट भी करना है क्लाइंट का, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस भी है, रिपोर्टिंग, ड्राफ्टिंग, फाइनेंशियल एग्रीगेशन, वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल रूल्स और सपोर्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेगोशिएबल टर्म्स, ठीक है, और फाइनली जो पोस्ट क्लोजिंग प्रोसेस, उसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ द रिव्यू ऑफ द क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द टारगेट, पीपीए, असिस्टेंस ऑफ द अदर पोस्ट क्लोजिंग ट्रांजेक्शंस रिव्यू, इन्वॉल्वमेंट इन द प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स यूजिंग द फाइंडिंग ऑफ द ड्यू डिलीजेंस। यहाँ पे हमारा ड्यू डिलीजेंस के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं विद इन 19 मिनट्स। में एक क्विक रिविजन लेने वाली हूँ, बहुत क्विक रिविजन, फटाफट से, वेरी क्विक रिविजन। सबसे फर्स्ट इसमें हमने देखा था कि जो भी टारगेट कंपनी, जो भी एक्वायर कंपनी टारगेट कंपनी को ले रही है, तो उसके लिए ड्यू डिलीजेंस ऑडिट करनी थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोमोटर्स, में सेटअप कैसे हुआ, विज द ओरिजिनल प्रोमोटर्स, में ओरिजिनल प्रोमोटर्स कौन है, देन इसमें जो हिस्ट्री है टारगेट की, में रिवील द टर्निंग पॉइंट्स क्या है, सर्वाइवल क्या है, देन जो भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह चेक करना, देन इसमें जो है नेचर ऑफ द बिजनेस, में लोकेशन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नेचर क्या है बिजनेस का, ठीक है। देन यहाँ पे चेक करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें
कमिटमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टर्म्स ऑफ द पेमेंट, हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस, स्टेबिलिटी देखना। फिर इसमें अगर इन्वेंट्रीज की बात करें तो लोकेशन इन्वेंट्री का, वैल्यू इन्वेंट्री का, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस कैटेगरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉरेन करेंसी एसेट्स, लाइब्रेरीज, ट्रांजेक्शन, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग चेक करना है, ठीक है। लिटिगेशन रेगुलेशन, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज में इस बार है वो तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से अडॉप्ट किया, फिर वो चेंज तो नहीं है, चेंज तो उसका इफेक्ट क्या है, फिर रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, कोई डिविएशन वगैरह तो नहीं, उसका रीजन क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कंपेयर करना है एक्चुअल फिगर को बजटेड फिगर से, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉफिट रिपोर्टिंग, और जो भी एक्चुअल जो हमने सोचा था फिगर उसको बजटेड फिगर से जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का है जो कंपेयर कर लेना, ठीक है। टैक्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साइड टैक्सेस, वैसे तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आपको पता है कि ये ओवरऑल में वैसे भी आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस में टैक्सेस वैसे भी इंक्लूड होते हैं। कैश फ्लोज के लिए आपको देखना है क्या रिसोर्सेज इंटरनल एक्सटर्नल है, कैसे डिप्लॉय हो रहा है कैश, रीडिप्लॉयमेंट भी एक पॉइंट है जिसको भी देखना है, ठीक है। फिर आ जाता है लिंग आइडल, अगर कोई आइडल पड़ा हुआ है कैश तो। फिर आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है, या फिर मोस्ट लाइकली पिछले नहीं नेक्स्ट 5 ईयर्स का, ठीक है, अगले 5 साल का डील अजाम्पशंस वगैरह देखना है। कोई अजाम्पशंस इन अप्रोप्रिएट लग रहा है तो ऑडिटर को वो भी क्या करना है, प्रॉपरली चेक करके ये भी चेक करना है, क्योंकि अजम्पशंस इन अप्रोप्रिएट तो नहीं हो, अर्थमेटिक एक्यूरेसीज ऑब्वियसली चेक करना ही है। ना जो है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली लेबर फोर्स क्या है उसका, पीएफ, ईएसआई, लीव, इंगेजमेंट उनका प्रॉपर मेथड क्या है, उसके अलावा जब टारगेट कंपनी को हम ले तो उनके लिए क्या हमने जो भी एम्प्लॉयज है, की एम्प्लॉयज वगैरह है वो आगे कंटिन्यू नहीं करे तो क्यों नहीं करे, ठीक है। की एम्प्लॉयज जो है वो जो की एम्प्लॉयज कंटिन्यू नहीं करे आफ्टर मर्जर, स्टैचुटरी कंप्लायंस में सारे लोग वगैरह कंप्लाई हुए कि नहीं सिंपली वो देखना। अगर पुनिटिव चार्जेस है, कोई पेनल एक्शन है तो स्पेसिफिक ऑडिटर को वो भी चेक करना है, अगर पेनिटिव चार्जेस कब लगेंगे, जबकि हमने लोगों को कंप्लाई नहीं किया होगा तब तो वो चेक करना है कि कब कंप्लाई नहीं किया और क्या क्या पेनिटिव चार्जेस लगे। अदर पॉइंट्स में आप डेट इक्विटी रेशियो वगैरह देख सकते हो, दैट्स इट। हिडन लायबिलिटीज के लिए हम देखते हैं कि कंपनी इज नॉट इशू एनी शेयर शो कॉज नोटिस, ठीक है, विच हैव नॉट मैच्योर्ड इन टू द डिमांड एस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अनफंडेड कोई ग्रेच्युटी है, या फिर यहाँ पे लीव सैलरी है लायबिलिटी से, अनकरेक्ट ग्रेचुटी वैल्यूएशन है, यूज लेबर क्लेम है, लेटर ऑफ कंफर्ट इज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस दिस आर नॉट गारंटी मे नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपली 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं इसमें, जैसे टैक्स का जो है बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट चल रहा है, पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी चल रहा है, फर्दर लीज लायबिलिटी चल रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ द सेम प्रायर टू द डेट ऑफ द ट्रांसफर, दिस मे बी नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ओके। देन इसमें जो है ओवर वैल्यूड एसेट्स, तो मैंने बताया था कि असेसमेंट टेंजिबल की वैल्यू नहीं, फिर बता रखा फिक्टिशियस एसेट्स बता रखी है, फिर इन्वेंट्री ऐसी एब्सोल्यूट नेचर के स्लो मूविंग है वो भी बता रखी है, फिर ऐसी एसेट्स जो कि प्लांट एंड मशीनरी जो एब्सोल्यूट नेचर के वो भी बता रखें, अनकलेक्टेड रिसीवेबल है या फिर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल है उनको भी बता रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनकी कैरिंग जो वैल्यू है, मतलब जिन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो वेरी लो रेट है, फिर भी उनको इन्वेस्टमेंट में बता रखा है, तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे ओवर वैल्यूड एसेट्स हो जाएंगे। देन हम आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इसका क्या अपने पास मेमोरी ट्रैक था, टॉप लाइफ T4 टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स आ जाते हैं, वैसे ये फाइनेंशियल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। फिर आ जाता है उससे ऑपरेशनल इकोनॉमिक और एफिशिएंट है कि नहीं है, पी से पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में इन लाइन विद द चेंज है कि नहीं है, फिर एल से लीगल सारे कंप्लायंसेस हुए कि नहीं, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई शायद लास्ट टाइम मैं डिस्कस करना भूल गई थी, आई एम ए कंप्यूटर सिस्टम और रिलेटेड मैटर देखना है, ठीक है। एफ फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ये सबसे बड़ा इसमें बैकग्राउंड वगैरह देखना होता है, प्रोमोटेड हिस्ट्री, फाइनेंशियल पॉलिसीज, MIS और कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ देखना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम सारा चेकिंग फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का ही रहता है, और जो कि ऑपरेशनल के बाद में ही करना है, और इन्वायरमेंटल में अडेप्टिव नेचर का एनवायरमेंट, फ्लेक्सिबल नेचर का एनवायरमेंट, ठीक है। देन आ जाते हैं हम एक टॉपिक पे जो कि फाइनल है, कंटेंट्स ऑफ अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्शन, स्कोप, रिटर्न्स, ब्रीफ हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑब्जर्वेशंस, नेट वर्थ, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, टैक्सेशन, स्टैचुटरी लायबिलिटीज कौन कौन सी थी, टैक्सेशन, स्टैचुटरी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी, पॉसिबल लायबिलिटीज, स्वॉट एनालाइजर्स, स्वॉट एस फॉर स्ट्रेंथ, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, W फॉर वीकनेस एंड T फॉर थ्रेट्स, ठीक है। बाकी जो सजेशन है, वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी टेकन केयर ऑफ द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द प्रपोज मर्जर एक्विजिशन, फाइनेंशियल लायबिलिटीज देखना, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स वगैरह देखना है, ठीक है। ये सर हमको देखना है कुछ पॉइंट्स जो कि न्यू सिलेबस के मुझे उसमें मिले थे मॉड्यूल में, वो भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस में आ जाता है, रिव्यूइंग रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट्स, अगर साइट विजिट करना अगर एप्लीकेबल है तो, बाद में डिफाइन करना की एरियाज जो भी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के हैं, एक्विजिशनिंग ऑफ एक्विजिशनिंग कंपनी के लिए, फिर हेल्पिंग प्रिपेयर ऑन द ऑफर बेस्ड ऑन द
कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस. सिक्स डायमेंशन कौन कौन से थे? डी 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 डिफाइन, डायग्नोज, डिस्कवर, डिलीवरी, और इसमें आ जाता है डिजाइन और फिर डिफेंस. देन आ जाता है हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलीजेंस, इसमें प्री, फिर प्रोसेस और फिर पोस्ट. प्री में आ जाता है जो भी ट्रांजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, मेथोडोलॉजी, स्कोप, फिर प्रोजेक्ट टीम, टीम का कोऑर्डिनेशन, फिर फाइनली टारगेट स्पेसिफिक एरिया. और ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में क्या जाता है? नेगोशिएशन फेज, इसमें वर्किंग ऑफ साइट और ऑन साइट, फ्लेक्सिबल अप्रोच, फिर रेगुलर अपडेट करना विद क्लाइंट, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग और सपोर्ट, प्रेपरेशन ऑफ द नेगोशिएबल टर्म, फिर क्लोजिंग पोस्ट, पोस्ट क्लोजिंग प्रोसेस क्या है? प्रिपेयर करना रिव्यू ऑफ द क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर करना टारगेट पीपीए ऑफ द असिस्टेंस ऑफ द अदर पोस्ट क्लोजिंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रांजेक्शंस. और फिर द इन्वॉल्वमेंट इन द प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर यूजिंग द फाइंडिंग ऑफ द ड्यू डिलीजेंस. ओके, यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस ऑडिट खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच.